न्यूज आयन में आपका स्वागत है। पेश है आज की हेडलाइंस। पुलिस लाइन में मॉडर्न बैरक का बुधवार को पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। कुमाऊनी शैली में बनने वाले इन बैरकों में जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे पूर्व इस तरह की बैरक प्रदेश की राजधानी देहरादून में बनाई गई है। ये बैरक लगभग 6 से 7 महीने के अंतराल में तैयार किया जाएगा और कुमाऊनी आर्किटेक्चर को इसमें रखा गया है ताकि जो कुमाऊनी आर्किटेक्चर है वो भी जो है प्रमोट हो। सहकारी बैंक पिथौरागढ़ और चंपावत के बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के मृतक ऋणदाताओं का ब्याज माफ करेगा। इसके लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू कर दी गई है जो 30 सितंबर तक चलेगी। यूथ कांग्रेस डिडीहाट के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों की हालत में सुधार की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि गोल्फा गांव में खेत क्षतिग्रस्त हो जाने से आलू और राजमा की फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने किसानों को अविलंब मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। मुंशियारी तहसील के अंतर्गत मुंशियारी मतकोट बरम मवानी दवानी और तेजर में पशु चिकित्सक नहीं होने से पशुपालन खासे परेशान है। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम दानू की अगुवाई में तहसील मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि उपचार नहीं मिलने से बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो रही है जिससे उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देवलथल तहसील के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय धुरौली का नया भवन बनाए जाने की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्रवासियों ने 21 जुलाई को थल सातसिलिंग मोटर मार्ग में चक्का जाम की चेतावनी दी है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर बुधवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चलाया गया। बाहर से आकर मजदूरी रेड़ी पर व्यवसाय में लगे 47 लोगों का सत्यापन किया गया। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बुधवार को चंपावत से टनकपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन चलती पुल के बारे में NH अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि मौसम अनुकूल रहने पर 10 दिन में कार्य पूर्ण कर इसे यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना में अधिक से अधिक किसानों को आच्छादित किया जाए। उन्होंने क्रियान्वयन एजेंसी को निर्देश दिए कि किसानों को फसलों का नुकसान होने पर समय पर बीमा का लाभ दिया जाए। प्रथम चेयरमैन स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार को बिड़ और रई की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबले में बिड़ की टीम ने 3 गोल किए और रई ने 2 गोल किए। नेपाल के डडेलधुरा जिले की ग्रामीण नगर पालिका भागेश्वर में 32 वर्षीय महिला रूपा दमाई की आम के पेड़ से गिरकर मौत हो गई। पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता उमाकांत जोशी ने बताया कि महिला आम तोड़ने के लिए पेड़ में चढ़ी हुई थी और संतुलन गड़बड़ा जाने से गिर पड़ी। ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत थाना टनकपुर के मनिहार गोट चौकी से करीब 70 मीटर दूरी पर सैलानी गोट सड़क के पास से आरोपी शहजादे खान उर्फ संजू निवासी वार्ड नंबर 3 वर्मा लाइन थाना टनकपुर जिला चंपावत को वाहन कार ऑल्टो रजिस्ट्रेशन नंबर UK03C पर 3.25 ग्राम स्मैक परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। सिरकुट चौड़ीगार सड़क से डामर उखड़ जाने से ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि महज 3 माह में ही डामर उखड़ गया। इस सड़क से 150 परिवारों को लाभ मिल रहा था। ग्रामीण मदन मोहन भट्ट ओम भट्ट ने बताया कि 4 करोड़ के डामरीकरण में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। मोस्टामानु चंडाक के ग्रामीणों ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा से मुलाकात की। उन्होंने राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय मोस्टामानु और राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोस्टामानु की भूमि भवन का चिकित्सा विभाग द्वारा अधिग्रहण की स्थिति में छात्र छात्राओं के शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग की। माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन 29वें दिन भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में जारी रहा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी ने बताया कि अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। थानाध्यक्ष चाजर देवल प्रकाश पांडे की टीम ने चेकिंग के दौरान दुकान संचालक लक्ष्मण सिंह निवासी बीसा बजेड़ थाना चाजर देवल जिला पिथौरागढ़ उम्र 34 वर्ष को दुकान में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने बेचने पर 15 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार किया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 84 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गयी। भीम सिंह निवासी बेरीनाग पर 20 लाख की ठगी के एक आरोपी उमेश सिंह मेहरा को चौकोड़ी से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि मामले में एक आरोपी पूर्व में ही दबोचा गया है। मुख्य आरोपी मनीष पाठक पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम रखा। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।
जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने अधिकारियों के साथ बाटनगाड़ का स्थलीय निरीक्षण कर मार्ग खोले जाने हेतु की जा रही कार्रवाई की जानकारी लोनीवी के अधिकारियों से ली। अधिशासी अभियंता लोनीवी बीसी पंत ने बताया कि बाटनगाड़ में लगातार मार्ग खोले जाने का कार्य किया जा रहा है। बारिश न होने पर 2 दिन के भीतर मार्ग को सुचारू कर लिया जाएगा। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।